बात जब इंडिपेंडेंट औरत की होती है तो सबसे पहले हम उनके बारे में सोचते हैं जो ऑफिस जाती हो या जो एडुकेटेड हो। पर स्ट्रीट स्टोरीज के इस एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं वसई के द श्रमिक महिला विकास संघ ईटरी में काम करने वाले 180 औरतों से, जो अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को घर के फील वाला खाना बनाकर खिला रही है। मेरे को बहन नहीं है, सगी बहन नहीं है, लेकिन ये बहन जैसे सब लोग हैं। कहते हैं इस जगह की शुरुआत हुई थी 1991 में, जहां 99 ईयर ओल्ड इंदुमती बर्वे जी और उनके तीन पार्टनर्स ने मिलकर इस जगह को स्टार्ट किया था, ताकि वो जरूरतमंद औरतों को उनके घर का खर्चा चलाने का जरिया दे सके और उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि कैश काउंटर से लेके किचन में खाना बनाने से लेके सर्विंग तक सारा काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औरतें कर रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की कुछ औरतें सिंगल हैंडेडली अपने घर का खर्चा चलाती हैं। मैंने कहीं सुना था कि औरतें सिर्फ और सिर्फ किचन में शोभा देती है, आज देख ही लिया। पर ये सिर्फ किचन में नहीं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का साहस रखती है। अकरा वर्ष झाली मी माझ्या घरातून निघून गेली, ती अजून आली नाही। तू 15 दिन घर पे भेटी तो मॅडम खुद लेने को आहे, चलो ऐसा नहीं होता है, सब लोग आए, सब लोग। हाँ, 22 साल से काम कर रही हूँ। मेरा लड़का छोटा था और हस्बैंड गुजर गए। छोटा था, स्कूल में था, फीस भरने की थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, टेंशन बहुत था, तो क्या करने का। उस टाइम हाथ में कुछ जॉब नहीं था, मैडम ने बोला कि इधर आ जाओ, तभी से इधर काम कर रही हूँ। आ गई, बाहर निकल गई, बहुत अच्छा ही होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अभी डर नहीं लगता किसी चीज से। वसई के न्यू इंग्लिश स्कूल के पास शुरू हुए इस रेस्टोरेंट के आज पूरे वसई और नाला सुपारा में 7 ब्रांचेस हैं, जहां इनकी टीम स्कूल कॉलेज के कैंटीन्स और हॉस्पिटल के कैफेटेरियाज चला रही है। इंदुमती बर्वे जी, 99 ईयर ओल्ड फाउंडर, कोविड-19 आउटब्रेक के पहले तक यहां रोज 1 घंटे आकर काम किया करती थी, पर आज उनकी हालत नाजुक हो जाने की वजह से हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए। आप भी आराम से बैठ सकते हो, आराम से रह सकते हो, फिर भी आप काम करते हो। आराम आराम हराम है। ये संस्था शुरू होने के पहले यहाँ पे पापड़ का एक उद्योग था। हमारे पापड़ मुंबई जाते थे, लेकिन बीच में ऐसे हो गए कि मुंबई में भी इज्जत पापड़ जैसी संस्था काम कर रही थी और औरत लोगों को ट्रेन से आना जाने का कितना भारी पड़ रहा था। पापड़ का हमारा जो उद्योग था वो पीछे हट गया, थोड़ा सा बंद होने के लायक, बाद में ये जगह वैसे ही खाली पड़ी थी। पापड़ का बिजनेस बंद हो जाने के बाद 99 ईयर ओल्ड इंदुमती बर्वे जी और उनके पार्टनर्स ने
कई सारे तरीके सोचे ताकि वो उन जरूरतमंद औरतों को एक सहारा दे सके और आखिरकार उन्हें द श्रमिक महिला विकास संघ का आइडिया आया। फिर हम लोगों ने सोचा अगर औरत लोगों को काम ही देना है तो उनका स्किल क्यों ना हम यूज करें। यही स्किल यूज करके हमने सोचा कि ये गांव की जो औरतें सोशली इकोनॉमिकली फिजिकली जो डाउनग्रेडेड है, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जात की हो, किसी भी हो, लेकिन वो औरत हो, उसी औरत के लिए हम लोगों ने ये संस्था 1991 में चालू की। बताओ कोई काम मुझे यहाँ पे देंगे? यहाँ पे अब देंगे मुझे मेरी स्क्वायर रोटी पे यहाँ पे जॉब मिल गई है गाइस। हाथ का जो खाना होता है ना उसकी याद आ रही है, मतलब बिल्कुल वैसा खाना है। मैं जब छोटी हुआ करती थी ना मुझे बाहर का खाना खाने का बहुत मन करता था, अब जब से बड़ी हो रही हूँ ना जितना कंफर्ट फूड मिलता है, जितना घर का खाना मिलता है ना उतना बढ़िया लगता है, एंड ये खाना बिल्कुल वैसा है। सीरियसली मैं इसे पूरा ख़त्म करने वाली हूँ। काम करने के सिवा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हल्दी कुंकू समारंभ होगा या फिर हम लोग पिकनिक पे लेके जाते हैं ये लोगों को, पहले उनको घर से बाहर निकलने को ही नहीं मिलता था, फिर अभी एक दूसरे के साथ रहना, किसी और के साथ फ्रेंडशिप करना, अपना सुख दुख बटाना, ये सब काम उनको यहाँ आके करने को मिल रहा है। एकदम झगड़ा भी बहुत अच्छे से करती है, झगड़ा भी करती है मगर उतना ही फिर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो ये बहुत उनके लिए बहुत माने रखता है कि मैं एक तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा जो मन करता है वो मैं मेरे बच्चों को कुछ खिलाना है, कुछ चीज़ देनी है तो मैं दे सकती हूँ अपने पैसों से। मैडम लोग हैं हमारे तो मैडम लोग कुछ नहीं, उनका कुछ उसमें यही नहीं आती नहीं, सब हमारे लिए ही वो करते रहते, वो कुछ ही लेते नहीं, तुम कुछ तो हम लोग कुछ, उनका ऐसा है। महिला विकास संघ की औरतें दुनिया की सारी औरतों को इंस्पायर करती है और एक हिम्मत देती है ताकि वो अपनी जिंदगी खुद बना सके। बाकी फैसला आपके हाथ में है कि आपको मदद का इंतजार करना है या खुद की मदद खुद करनी है। ऑन दैट नोट दिस इज कृष्णा गोस्वामी साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड टू गर्ली टेल्स और श्रमिक महिला विकास संघ। जय हो। Thank you.